मुश्किलों से डर के कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, हमें हमेशा कोशिश करने चाहिए, क्योंकि अगर आप कोशिश करोगे और आपकी उम्मीद टूटती भी है तो वो चांद से जाके टकराएगी। ऐसा आपने कल रात को देखा। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये चंद्रयान मिशन 2 जो था, ये आप इसको असफल मिशन नहीं कह सकते, क्योंकि जो ये मिशन है ये काफ़ी हद तक सफल है। आपको जैसा कि पता होगा कि जो हमारे यहाँ से चंद्रयान मिशन के लिए जो रॉकेट गया था उसके 3 हिस्से थे, ऑर्बिट, उसके बाद विक्रम और प्रज्ञान। तो ऑर्बिट जो था वो चंद्रमा के कक्षा के करीब सिर्फ 30 या 40 किलोमीटर के आसपास बिल्कुल सुरक्षित है और वो चक्कर लगा रहा है, जबकि ऑर्बिट से विक्रम निकल के चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था, जो कि वैज्ञानिकों का अभी भी मानना है कि उसके सिर्फ 5% हिस्से ही हो सकता है नष्ट हुए। 95% हिस्सा अभी भी उसका सलामत है, हालांकि कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, लेकिन जैसे ही वहां से कोई कनेक्टिविटी होती है तो हमारा मिशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर भविष्य में विक्रम हमें कोई संकेत नहीं भी भेज पाता तो आपको बता दूं कि हमारा जो ऑर्बिट 2 है वो चंद्रमा की बहुत सारी जानकारी हमें दे सकता है, जो कि दुनिया में और भी दुनिया के जितने लोगों ने भी चंद्रयान मिशन किया था उनसे हमारा जो चंद्रयान था वो सस्ता था, ये आप जानते हो, और उनसे बेहतर तस्वीरें और चंद्रमा के बारे में बेहतर जानकारी हमें अभी भी मिल सकती है। जैसे कि आपको बता दूं कि जो हमारा ऑर्बिट 2 है वो उसमें बेहतरीन कैमरा लगा हुआ है, जो कि चांद की काफ़ी करीब से तस्वीर 30-40 किलोमीटर दूरी से बहुत ही बेहतरीन तस्वीरें ला के हमें दे सकता है। साथ ही सोलर एक्सरे स्पेक्ट्रम के बारे में भी जानकारी मुहैया करा सकता है। चांद पे मौजूद पानी के बारे में भी बहुत बेहतरीन तरीके से, यहाँ तक कि पानी के मिनरल्स तक की जानकारी हमें ऑर्बिट 2 देने में सक्षम है। इसके अलावा आपको बता दूं कि वातावरण, जो चांद की वातावरण की निचली सतह, उसकी भी जानकारी ये ऑर्बिट 2 आसानी से दे पाएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया आप इसको लाइक शेयर जरूर कर दिएगा। बिहार डेलीगेशन के लिए चंदन कुमार।